वक्त मैं आपको पश्चिम बंगाल के बरहामपुर ले आई हूँ। हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर, मैं हूँ आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। जल्दी से मुद्दा बता देती हूँ, बांग्लादेश में किस तरीके से माइनॉरिटी के साथ में हम भयावह तस्वीरें आती हुई देख रहे हैं, उसी पर आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो सीमा है ना वो बांग्लादेश से लगती है, जालंगी एक जगह है। तो चलिए मैं सीमा पर भी आपको लेकर चलूंगी, कैसे ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है वो भी जानेंगे, और यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि क्या वो चाहते हैं कि वहां के लोग यहाँ आए या नहीं आए। अब जनता बताएगी, चलिए मेरे साथ। और सबसे पहले जैसे मैं बरहामपुर आई हूँ, मैं आपको लेकर चलती हूँ जालंगी। जालंगी बरहामपुर की वो जगह है जहाँ पर बांग्लादेश की सीमा लगती है, पद्मा नदी वहां से बहती है जो बांग्लादेश और भारत को अलग करती है। तो चलिए मेरे साथ में। बांग्लादेश में किस तरीके से तनाव जारी है, इन सब के बीच में न्यूज 18 इंडिया देश का ऐसा पहला चैनल जो आपको लेकर आया है उस नदी के किनारे जो नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा को बांटती है, यानी कि पद्मा नदी है। और मेरी मौजूदगी देखिए उसी पद्मा नदी में है। ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना वहाँ जूट के ये खेती करते हुए, वहीं तक भारत की सीमा है। और वो फ्लैग दिखाइए जरा वहां से, ये जो ये हिस्सा बट गया ना, ये दो फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बांग्लादेश की सीमा जो है शुरू हो गई। इसीलिए मेरे नाविक ने यहीं से नाव को अपनी मोड़ लिया। जरा इधर आइए भैया, सीमांता है इधर हमारा जो झंडा है, ये झंडा का ऊपर वो नीला वाला झंडा, नील वाला झंडा वाला उधर बांग्लादेश है और इसका हमारा इंडिया है। अभी ऐसा हुआ है उधर की तरफ पहुँच गए हो, पता रहता है की इधर? हाँ पता लगता है, हमारा जमीन का इंडिया का उधर है, इंडिया का इधर है, वो साइड में पूरे बांग्लादेश है। अच्छा, और आना जाना किसी का होता है? किसी का नहीं, बीएसएफ निगरानी रखती है, बीएसएफ पूरा करता है। अभी ऐसा तो नहीं हुआ गलती से नाविक उधर? नहीं नहीं, उसको नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। इसको जो किसान आता है एंट्री करता है, एंट्री होती है आप लोगों की आइडेंटिटी का। पद्मा नदी जो गंगा से ही निकली हुई एक नदी है, जब वो भारत में होती है तो हुगली होती है, और जब वो बांग्लादेश की तरफ बढ़ रही है तो इसे पद्मा नदी कहा जाता है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, बीएसएफ लगातार निगरानी कर रही है। थोड़ा घूमिए निजाम, और अगर बीएसएफ का वो पॉइंट दिखा पाएंगे तो दिखाइए जरा, वो बीएसएफ का पॉइंट है, और वो सारी हमारी नाव है। देखिए ये सारी की सारी हमारी नाव है जिन पर आप भारत का झंडा देख पा रहे होंगे, और ये अब मैं भारत की तरफ बढ़ रही हूँ। फिर से घूमिए निजाम, थोड़ा सा मेरे पीछे वो बांग्लादेश का हिस्सा हो गया, आप देखेंगे मैं बांग्लादेश का वो हिस्सा पीछे छोड़ आई हूँ, अब ये मैं भारत की तरफ बढ़ रही हूँ। आपको हिंदू रिफ्यूजीज के बीच में लेकर चलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके साथ में हम क्रूरता देख रहे हैं, तस्वीरों में तो कम से कम वही दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो हिंदू रिफ्यूजीज यहाँ रहते हैं उनके कुछ रिश्तेदार अगर बांग्लादेश हैं तो कैसी स्थिति में है, चलिए उनसे ही जानते हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां तनाव है, और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के लिए आक्रोश दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त भारत बांग्लादेश की सीमा पर एक रिफ्यूजी कैंप है, हिंदू रिफ्यूजी कैंप, वहां पर हूँ। ये मेरे साथ हैं, और वो कहाँ गई, आप इधर आइए, आप भी, ये भी मेरे साथ हैं, और ये देखिए एक कॉल पर ऑलरेडी चल रहे हैं, वो बांग्लादेश में ही है। कौन है इनके, आपको हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती है, ये पूछ के बताएंगे, क्योंकि इनके भाई हैं वहाँ पर। जरा उनसे पूछिए कि वो वहाँ पर ठीक है, हिंदुओं के साथ वहाँ क्या क्या हो रहा है, जरा बताएं। बोलती तुम्हारे की समस्या होती है हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है? मैं आपको लाइव कॉल दिखा रही हूँ, ये कॉल चल रहा है, ये इनके भाई है और वो कॉल पर पूछ रही है, क्या बता रहे हैं वो? वो बोल रहा है उधर उनका आजू बाजू में सब हंगा लगा रखा है, हंगामा हो रहा है, हंगामा हो रहा है। कैसा हंगामा हो रहा है पूछिए जरा, कैसा क्या रकम होता था कुछ से तुम्हारे, कैसा हंगामा किया जा रहा है?
दस दिन बीस दिन से वो यहीं पर है। नहीं वो ऐसा नहीं बोल रहे दस आदमी आ रहा है, वो घर लूट वूट वगैरह करके लेके चला जा रहा है। दस आदमी आ रहे हैं और घर लूट करके लेकर जा रहे हैं। तो ये मैं आपको लाइव कॉल पर सुनवा रही हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। दस बीस बीस लोग आते हैं, घर में आगजनी करते हैं, रहना मुश्किल हो गया है। आपके भी शायद वहाँ पर कोई बांग्लादेश में है ना, इनसे पूछो जरा। तुम्हारा बांग्लादेश के पास है? सास है। हाँ, सास है। बात हुई उनसे? बात नहीं हो पा रही है। तो ये हिंदू रिफ्यूजी कैंप है और मैंने आपको लाइव भी सुनवाया, इनके भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं, सुभाष उनका नाम है। अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जरा दिखाइए। हाँ ये देखिए, ये लाइव जुड़े हुए हैं सुभाष जी मेरे साथ में और ये बांग्लादेश में मौजूद हैं। और क्योंकि 10 दिन से ये वहाँ पर ही हैं, यहाँ आना जाना करते, लेकिन वहाँ पर वो बता रहे हैं कि वहाँ स्थितियाँ उनके लिए बहुत ठीक नहीं है और सिर्फ उनके साथ ही, यानी कि जो हिंदू परिवार हैं उनके साथ ज़्यादा किया जा रहा है। निजाम जी चाय खावा? हाँ बोला है। चाय खावा का मतलब पश्चिम बंगाल मतलब चाय पीना, खाना मत समझ लेना उसको। तो चलिए, मेरे कैमरामैन भी चाय पीना चाहते हैं, मैं भी चाय पीना चाहती हूँ, चाय भी पी लेंगे और साथ साथ बातचीत भी कर लेंगे लोगों से। यहाँ से गुजर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक चाय की टपरी पड़ी है, कुछ लोग बैठे हैं, ज्यादा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ हिंदी भाषी आपको कम मिलेंगे, बांग्ला बोलने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं चाय पी रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अबूबकर सिद्दीकी। अच्छा सिद्दीकी साहब, बांग्लादेश की सीमा आपके से लगती है ना, एकदम बगल में, मैं देख कर भी आई। खूबसूरत जगह भी है, लेकिन अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि वहाँ जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को परेशान कर रही है। वो डेमोक्रेसी की बात है, वो एक इकोनॉमिक की बात है, वो देश का अपना देश का बात है। वहाँ के लोग यहाँ आने के लिए बड़े तैयार? नहीं, ये तैयार है ये टिकी, लेकिन हम लोग तो तैयार नहीं है टू एक्सेप्ट देम। ओके, यू ऑल पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम? नो नो, नेवर नेवर। नहीं चाहते आप लोग कि यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग उनको एक्सेप्ट करें? नहीं। क्यों डर है ये, इससे क्या होगा? हो सकते है कि जो कोई ब्लैक मार्केटियर हो, कोई एंटी सोशल हो, कोई बैड मैन हो, आप लोगों के भी हक हकूक मारे जाएंगे। हाँ, है ना, तो इसीलिए हकूक मारा जाएगा। हाँ, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा। जो अच्छा जो होता है, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं मतलब ये आपने बहुत बड़ी बात बोली और बहुत अच्छी बात बोली, जो वहाँ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। नहीं, सुनकर डर लगता है। हाँ, है ना, ऐसा किसी के साथ होना नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। सिद्दीकी साहब ने बड़ी अहम बात बोली कि हम नहीं चाहते कि वहाँ के लोग यहाँ आए। देखिए वो तो हमारे हम लोग बता नहीं पाएंगे, ये तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका पॉलिसी होगा। खाना खा रहे हैं इसी वजह, खाते खाते बात कर लो, कोई बात नहीं। अरे रखो मत भाई, ठीक है, बोलिए ना। बांग्लादेश की सीमा आपके उससे लगती है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुक्ति हल्दार है। अच्छा मुक्ति हल्दार, बांग्लादेश की सीमा आपके यहाँ से लगती है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे होंगे। बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेजॉरिटी क्या माइनॉरिटी को इतना परेशान कर रही है, मुस्लिम हिंदुओं को क्या वो इतना परेशान कर रहे हैं, क्या देखते हैं? मुस्लिम हिंदू तो हम लोग बनाया है। ठीक बात है, ठीक है, ये तो मुस्लिम हिंदू का कोई बात नहीं है, जो भी हो रहा है बांग्लादेश में वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो चाहे किसी भी समुदाय के लोग, किसी भी हो, ठीक है। वहाँ देखिए बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा है। हमारा बंगाल का जो रविन्द्रनाथ ठाकुर है, जानने वाला वहाँ पर बांग्लादेश में किसी से बात हुई? नहीं, नहीं, कोई नहीं है। जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है हमारा, उसका वहाँ का जो मूर्ति है उखड़ के फेंक दिया, ठीक है, ये तो ठीक, हाँ ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल, ये तो हमारा बांग्ला का है, अपमान है बांग्ला का, पूरा अपमान है। आप लोग स्वीकार करेंगे उन लोगों को अगर वो यहाँ आते हैं तो? देखिए कोई अगर दिक्कत में पड़ेगा, ठीक है, हम जरूर जाएंगे, उसके साइड में हम रहेंगे, लेकिन देखेंगे जे ये अच्छा है या बुरा है, फिर उसको हम हेल्प करेंगे। आपका क्या नाम है? नईम फारूक। बांग्लादेश की सीमा आपसे लगती है, बंगाल में बहुत लोगों को शरण बांग्लादेशियों को दी गई थी जब पार्टीशन हुआ था, तब भी और अभी भी बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। हाँ अभी भी कई लोग व्यापार करते हैं, बट जो वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मेजोरिटी माइनॉरिटी को परेशान कर रही है वहाँ पे, हिंदुओं के साथ इतना खराब अत्याचार किया जा रहा है? अभी बात है ये कि हम जो देख रहे हैं वो वीडियो में देख रही है, यहाँ उस वीडियो का ऑथेंटिक कितना है? मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी के वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैं हिंदू रिफ्यूजीज के बीच गई, वहाँ पर कईयों ने फोन पे बात की तो उन्होंने बताया वीडियो से हटके। नहीं बात है ये, क्योंकि जो वीडियो
हम देख रहे हैं कि जो वीडियो हमको दिखा रहे हैं, अब वो वीडियो किस सिचुएशन का है, किस टाइम का है। अब बात ये भी हो सकती है कि वो 2 साल पुराना वीडियो उसको नया करके चल रहा है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मूर्ति गिराई गई वो, हाँ ये हर वक्त ये शर्मिंदा काम है, ये शर्मिंदगी एकदम कर, पूरे बंगाल को परेशान किया इस तस्वीर ने। ये इस तस्वीर तो ये जो किया ये काम, टैगोर साहब किसी एक समुदाय के थोड़ी हैं, वो तो सबके हैं, ये वो तो पूरे बंगाल के हैं, पूरे बंगाल की शान है। हाँ ये शर्मिंदा, ये शर्मिंदगी वाला काम। ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ बच्चों के लिए बनाया गया है, और देखिए बैरिक स्क्वायर बोलते हैं इसको। यहीं पर हम रुकते हैं क्योंकि जो बांग्लादेश में पूरा का पूरा प्रदर्शन था वो जो है 60 ही स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया था। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? तो ये दादा बहुत जल्दी में है लेकिन मैंने रोका है। दादा जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, बांग्लादेश की सीमा आपके यहाँ से लगती है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आप देख ही रहे होंगे, क्या लगता है उन तस्वीरों को देख के? आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रलय दत्ता है। हाँ प्रलय दत्ता, वहाँ पर माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बहुत परेशान कर रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है उन तस्वीरों को देखकर क्या स्थिति है वहाँ पर? वहाँ की स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। कोई है बांग्लादेश में? नहीं, हमारे कोई नहीं है, लेकिन देख के डर लगता है कि वहाँ एकदम एकदम वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ ये तो डर ही लग रहा है। और वहाँ से भी आने के लिए लोग आतुर है दादा, यहाँ पर कि आना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है आने देना चाहिए उन लोगों को? हमारे समझ से नहीं। नहीं क्यों, क्यों ऐसा लगता है आपको दादा, क्यों नहीं आना देना चाहिए? नहीं वो विदाउट परमिशन वो आ रहे हैं, हिंदू आना चाहते हैं, विदाउट परमिशन वो आ रहे हैं, नहीं आने देना चाहिए, अपने रिसोर्सेज जाने का डर है। हाँ ये डर है। दादा मुस्कुरा के बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा और अंदर, इसे रेस्ट हाउस बोलते हैं। दादा क्या नाम है आपका? तरुण कुमार नंदी। हाँ तरुण कुमार नंदी। तरुण कुमार नंदी, नंदी साहब बांग्लादेश की सीमा तो आप लोगों के पास ही है, बहुत दूर तो है नहीं, जालंगी गई थी मैं आज, बरामपुर में ही लगता है वो, बट बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको देख के क्या लग रहा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को परेशान कर रहा है? तो खुबी दुखजनक घटना, बहुत दुखजनक है, बहुत दुखजनक घटना। वीडियोस देखे? हां देखेছি কিছু কিছু, কিন্তু এটা কাম্য কখনোই ছিল না, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हिंदी हां ये ऐसा हाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वहाँ से लोग यहाँ आना चाहते हैं, कई लोगों को देखा गया घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हमारा बीएसएफ रोक दे रहा है, हार्मफुल है, हार्मफुल है, नहीं आना देना चाहिए, नहीं आना, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं। आपको दादा, आपको क्या लगता है? ये जो हो रहा है वहाँ पर, ये छात्रों का जो स्टूडेंट है, हाँ। स्टूडेंट का ये काम नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, तो ये कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कर रही है? हाँ नहीं है, हाँ यस, कोई उसको उसकाता है, हाँ उसका ने बात वो ऐसा हो रहा है, उकसाया जा रहा है, हाँ उकसाया जा रहा है, हाँ ये स्टूडेंट का काम नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स ही हो तुम लोग, स्टूडेंट्स होने के नाते रील्स तो देख ही रहे होगे जो बांग्लादेश की आ रही है, डर लगता है रील्स को देख के? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शबेह हसी है। हाँ सबे हसी शाह। अच्छा क्या डर लगता है उन रील्स को देख के? हाँ मतलब सिचुएशन तो बहुत खराब है, मम्मी पापा बोलते होंगे देखो क्या हालत हो रही है वहाँ पर। हाँ आपका नाम? श्रेयन रॉय। आपका? देवजीत करण। स्टूडेंट्स ने ही वो पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया था सरकार के खिलाफ, और आज स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं, बट जो लड़कियों के साथ हो रहा है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति तोड़ दी जा रही है, कभी किसी की मूर्ति तोड़ी जा रही है, स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं? नो आई थिंक इट इज नॉट प्रॉपर्ली not the plan of the students, I think. Students? No. Koi propaganda hai piche? Actually, I am not having a basic idea about this, so. What you feel? Aapko kya lagta hai? Dekhiye, basically students ko aisa to karna nahi chahiye, but abhi filhal jo dekhne mein aa raha hai, to उसमें तो स्टूडेंट्स का ही रोल दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं आपको लगता है? अगर आप किसी दिन कभी किसी प्रदर्शन में खड़े हुए तो आप लोग करेंगे ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स तो इस शक्ल को नहीं ले सकते। नहीं आपको भी लगता है ऐसे? ऐसे मतलब मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो प्रदर्शन क्या हुआ? प्रदर्शन क्या हुआ, उस प्रदर्शन का मोटिव क्या हुआ कि अगर ऐसे ही बुरा काम करते रहें, जैसे वहाँ पे लड़कियों के साथ जो हो रहा है, बाद में फिर उनके प्राइम मिनिस्टर के घर में जाके सब कुछ डाका डाल दिया जा रहा है, तो वो सबका तो कोई मतलब नहीं है ना, उससे तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। क्या नाम देखकर भी ये सब किया जा रहा है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को परेशान करे कि हिंदू है तो हम लोग करेंगे इनको दुखी? हाँ ऐसा तो थोड़ा बहुत चलता ही है, पॉलिटिकल वे में दिखा जाता है, पॉलिटिकल वे में। स्टूडेंट्स की राय हमने इसलिए ली क्योंकि स्टूडेंट्स को सुनना बहुत ज़रूरी है, वो पूरा प्रोटेस्ट युवाओं द्वारा शुरू किया गया, स्टूडेंट्स द्वारा शुरू किया गया, और देखिए उसने किस रूप को अख्तियार कर लिया है, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये वाकई प्रदर्शनकारी है या किसी ने राजनीतिक चादर ओढ़ ली।